अलिफ और बे में ही सारी पढ़ाई आ जाती है। नुक्ते की बात ही नहीं है। नुक्ते की बात ही नहीं। नुक्ते की बात ही नहीं। बात कैसे नहीं? बिना नुक्ते के दुनिया को जानकारी ही नहीं हो सकती। सारी जानकारी होती किससे है? नुक्ते से ही जानकारी होती। अलिफ बे तो हिस्ट्री की चीज हो गई, और हिस्ट्री बताने वाला कौन है? मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं। चाहे अलिफ हो, बे हो, टे हो, टे हो, कोई भी हो, वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, सब भूल जाते हैं। और बाबा रामायण में है कहा है, जाय ही न चाहिए कबहु कछु है, जाय ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। उस स्टेज में अष्टदेव को ही मानेंगे या 108 पूरे मानेंगे? जिनको कुछ नहीं चाहिए, बाप के साथ ही सहज उनका स्नेह है, और सहज स्नेह में उनको कोई कठिनाई नहीं आती है। तो ऐसा सहज स्नेह है दूसरे धर्म की आत्मा कर पाएगी, जो और धर्मों में कन्वर्ट होती रही है 63 जन्मों में जो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं, उनका प्यार जो और धर्मों में कन्वर्ट होता रहा है, वो और आत्माएं उसे हिसाब लेने नहीं आएंगी शूटिंग पीरियड में। कहाँ जा रहे हो? पहले हमसे तो निपटाओ, हमारा कर्जा तो उतार दो, हमको हिलगाया हुआ है, हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं करोगे तो सहज होगा या कठिन होगा? कठिन हो जाता है। और हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। है कैसे नहीं? है नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक वाले कैसे कहते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं और एडवांस वाले हिंसा को बढ़ाने वाले हैं? काम विकार की हिंसा हम नहीं बढ़ाते हैं। कौन कहते हैं? बेसिक वाले क्या कहते हैं? काम विकार की हिंसा एडवांस वाले बढ़ा रहे हैं और हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं। हम हिंसा को दूर करने वाले हैं इसलिए हम हिंदू हैं। अरे उनकी मेंटेलिटी को जाना नहीं। अरे किसका प्रश्न था? आपने बेसिक वालों की मेंटेलिटी को नहीं जाना? उनकी मेंटेलिटी क्या कहती है? पहले हम जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। बेसिक वालों की मेंटेलिटी क्या कहती है? वो हिंसा को अपने को बढ़ाने वाला समझते हैं या हिंसा को दूर करने वाला समझते हैं? वो दूर करने वाला समझते हैं। और एडवांस पार्टी को, शंकर पार्टी को हिंसा बढ़ाने वाला समझते हैं? कौन सी हिंसा? काम विकार की हिंसा। तो वो हिंदू हो गए। अगर है नहीं तो आया कहां से? नाम कैसे प्रख्यात हो गया? जबकि वास्तविकता ये है कि सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों को छोड़ करके बाकी जितने भी विधर्मी हैं, विदेशी हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, वो सब काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाले हैं, विचार को बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले नहीं हैं। वो सब हिंदू, इसलिए अपने को हिंदू कहते हैं। देश का नाम भी हिंदुस्तान पड़ा बाद में है, यहाँ भी शूटिंग पीरियड में हम लोग। हाँ जी,
है, सुनाई चल रहे हैं, तो घर घर लोग जा रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अपन की ज्ञान की जो तो कह के टाइम नहीं है, वो घर घर जा रहे हैं, पाँव छू रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, उनकी तो दिन कैसे हुई ब्राह्मणों की दुनिया में अभी आखिरी धर्म की शूटिंग दिखाई पड़ेगी कि मध्य के धर्मों की या आदि के धर्म की शूटिंग दिखाई पड़ेगी है? आखिरी धर्म है आर्य समाज। आर्य समाज वाले घर घर जाकर के वोट मांगते हैं, उन्हें धर्म के ऊपर आस्था नहीं है, तुम कोई भी धर्म को मानो वोट हमको दे दो। हाँ तो वो जब आर्य समाजियों का टाइम आएगा ब्राह्मणों की दुनिया में तो वो भी देखने में आ जाएगा। और अंतर्मुखी बनना माने अंदर से भी कोई संकल्प न चले, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, बस निराकारी निर्विकारी स्टेज बन जाए, वो है अंतर्मुखी। ऐसे नहीं बाहर से बोलना बंद कर दिया और अंदर से ढेर सारे संकल्प उल्टे फलटे चल रहे हैं, उसे वाइब्रेशन बिगड़ेगा या बनेगा? बिगड़ेगा, वो अंतर्मुखी नहीं हुआ, वो तो बहुत घातक हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। कोई आत्मा संपूर्ण बनती है तो उसकी नकल, संपूर्ण जो बनेगा उससे साफ संतुष्ट रहेंगे, जो देखेगा जो सुनेगा वो समझेगा भगवान का बच्चा है, भगवान इनके द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है। असंपन्न की निशानी है खुद भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। है कोई नया नया है प्रश्न कर रहा है कि बाबा आखिरी जो विनाश होगा उस समय जो वर्ष जमेगा उसके बाद कितने समय के बाद आत्माएं आएंगी और कितने समय के बाद सतयुग आएगा? पूछने वाला भूल गया कि आत्माएं परमधाम जाती हैं और तुरंत वापस भी आती हैं, परमधाम खाली होता ही नहीं, आना बंद होगा और जाना शुरू हो जाएगा, जाना शुरू होगा और आना भी शुरू हो जाएगा। तो जब ऊपर से आत्माएं आएंगी तो ऐसे थोड़े ही कि उन्हें विनाश देखना पड़ेगा इन आंखों से, वो विनाश की दुनिया देखेंगी क्या? नहीं, वो तो आवेंगी ही नई दुनिया में। हाँ उनकी संख्या थोड़ी होगी। कोई पूछ रहा है सबसे बड़ा पुण्य क्या है, माने सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? दूसरी आत्माओं को सुख देना ये ही पुण्य है और दूसरी आत्माओं को दुख देना ये ही पाप है। अल्पकाल का नहीं कि अल्पकाल का सुख दे दिया, विकारी बनाए दिया, विकार भोग लिया, भुगवा दिया, वो नहीं। सुख कौन सा? सुख वो जो सदाकाल के लिए सुख साबित हो,
ऐसा सुख पुण्य बनाता है। बाप की पहचान कोई को दे दी, बड़े से बड़ा पुण्य हो गया। कोई थमाने वाले, कोई भगाने वाले। बाप की याद में कोई थमाए दे, हो गया बड़ा से बड़ा पुण्य। और बाप की याद से जो भगाए दे, बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनाए दे, हो गया सबसे बड़ा पाप। हमारा प्रश्न फिर आ गया किसी के द्वारा। बाबा, जो आत्मा रेगुलर क्लास नहीं करती है, उस आत्मा को बाबा के क्लास में, बाबा का क्लास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सन्मुख क्लास है? क्या जवाब है? अरे उसे प्रीति ही नहीं है बाबा की वाणी से। मुरली से प्यार माना, मुरली से, मुरलीधर से प्यार। अब मुरलीधर से ही प्यार नहीं है तो फिर बुलाने से फायदा क्या हुआ? जो आत्मा पूरी क्लास होने के बाद क्लास में आए या क्लास खत्म होने होते ही आ जाए, 5, 10 या 15 मिनट बैठे और फिर साइन करके चली जाए, तो उसे साइन करने देना चाहिए या नहीं? ऐसे तो नहीं उसने साइन क्लास किया ही नहीं। क्लास तो किया है ना थोड़ा बहुत, तो साइन करने से मना क्यों कर देंगे? तो जैसा करेगा वैसा पाएगा। रोज बाबा का डिसरिगार्ड करेगा, टीचर का डिसरिगार्ड करेगा, तो डिसरिगार्ड करने का फल धर्मराज से नहीं मिलेगा? फिर क्या बात? उसको खुश होने दो, कम से कम थोड़ी तो खुशी लेने दो है? बाबा ने देवी के पुजारियों को चोर डकैत बताया, बड़ा दर्द हो रहा है। मुरली में भी बोला है देवी के पुजारी है राक्षस संप्रदाय, रावण संप्रदाय। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि रावण जब सीता को चुराने आता है तो मंदोदरी के साथ आता है या अकेला आता है? अकेला आता है। और सीता को अकेला बनाता है या राम को साथ रहने देता है? अकेला बनाने के पीछे उसकी नियत क्या है? अच्छी नियत है या खराब नियत है? खराब नियत है। इसलिए बाबा ने बोला कि जो सिंगल देवी की पूजा करते हैं, बोलते रहते हैं जय माता दी जय माता दी, उनको पिताजी की याद रहती है? है नहीं रहती। वो जानते ही नहीं कि जिस देवी की हम पूजा कर रहे हैं वो देवी कोई विधवा नहीं है। कोई देवी विधवा होती है? विधवाओं की भारतवर्ष में मान्यता होती है? विधवाओं की तो मान्यता नहीं होती, सदवाओं की फिर भी मान्यता है, कन्याओं की और ज्यादा मान्यता है। तो जो सिंगल देवी या सिंगल देवता को पूजा करते हैं वो नियत में खोट है,
अच्छा तो एक बात हुई कि देवी की पुजारी तो चोर डकैत बताई दिए, लेकिन जो आत्मा है इस समय भूत प्रेत या तांत्रिक विद्या का प्रयोग करती है, उन आत्माओं को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? वो तो गीता में भी बताया है, मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं, मेरे से वर्षा लेते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवी देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनको भूत प्रेतों से प्राप्ति होती है। तो बढ़िया प्राप्ति किसकी? जो ऊंचे से ऊंचे भगवान है उसके बच्चे बनेंगे तो ऊंचे से वर्षा मिलेगा, देवी देवताओं के बच्चे बनेंगे तो मीडियम, और भूत प्रेतों के बनेंगे तो थर्ड क्लास प्राप्ति होगी। सुनता है लेकिन ऊपरी मंत्र सुनता है। तो परख शक्ति होनी चाहिए ना, पात्र को ज्ञान देना है या कुपात्र को देना है, प्यासे को पानी पिलाना है या जिसको प्यास ही नहीं है पानी पी लो, पानी पी, बेचारा मुझे जाएगा। तो परखो ना, परख करके दान देना चाहिए ना। हाँ आस पास क्या बैठे देवताएं? हाँ ऐसे क्यों दिखाते हैं? है कोई परिवार होता है तो उस परिवार में बच्चे बीच में बैठेंगे या बाप को बीच में बैठाएंगे? है तो वो शिवलिंग जो बीच में रखा जाता है वो बाप की यादगार है, बाप बीच में बैठा है और बच्चे चारों ओर बैठे हुए हैं, ये बाप का परिवार है। अच्छा बाबा सुपनेखा कौन सी है? सुपनेखा के नाटान हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में सुपनखाएं वो हैं जो लड़ाई लड़वाती हैं। सुपनखा की खुद की इच्छा थी कि राम या लक्ष्मण हमारे साथ ऐसा ऐसा कर्म करें, विकार भोगें, उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो रावण से जाके झूठी शिकायत कर दी, लड़ाई लड़वा दी। ऐसी औरतें होती हैं कि नहीं होती हैं? हैं? उनकी विकार की आस पूरी नहीं होती है तो कामेशु क्रोधेश हो जाते हैं, लड़ाई करवा देते हैं, उनको कहा जाता है सुपनखा। फिर होती है पूतनाएं। क्या पूतनाएं? वो होती हैं जिनको विष की आस रहती है, विषय विकार में ही उनकी जिंदगी जाती है। सुपनखाएं ज्यादा खतरनाक है, ब्राह्मण परिवार में भी है। आगे चल के देखना जब महाभारत युद्ध है, ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो तो कितनी सुपनखाएं निकलती हैं, जो बाप की ग्लानी करेंगी, पहले सरेंडर होके रहेंगी बाद में
बाद में ग्लानिंग करेंगी। आत्माओं का पाठ मन बुद्धि में क्लियर हो जाता है, क्लियर हो गया आत्माओं का है, तो क्या उनकी धारणा स्वतः ही पक्की हो जाती है? जिसको कुर्सी मिल जाती है, नौकरी, कोई पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करने के बाद फिर उसको कुर्सी मिल जाती है, तो कुर्सी मिलाने के बाद कुर्सी सब कुछ सिखाई देती है या सिखा सिखाया आता है? कुर्सी सिखाई देती है। तो ऐसे ही जिसका पार्ट डिक्लेयर हो जाता है, वो डिक्लेयर हुआ पार्ट उसको याद आता रहता है कि मुझे ये बनना है, मेरा ये लक्ष्य है, तो बार बार याद आएगा तो बार बार सुधार करेगा। बाबा अभी जो विष्णु नारायण बनकर बैठे हैं, विष्णु पार्टियां बनाकर बैठे हैं, वो माला में कौन सा पद पाएंगे? है? अरे तीन मालाएं हैं, एक है रुद्रमाला, बाप की माला, एक है विजय माला, विष्णु की माला, और एक है भक्त माला। तो जो विष्णु पार्टी बना के बैठते हैं, वो भगवान बाप से भगाकर दूर ले जाते हैं या नजदीक लाते हैं? दूर ले जाते हैं। तो जो भगाने वाले हैं वो माला में आवेंगे क्या? बाप की माला में आवेंगे, विष्णु की माला में आवेंगे? नहीं, तो डुप्लीकेट विष्णु बने बैठे हैं। वो भक्त माला है सारी, ज्ञान में अगर जिंदा रहना है तो ऐसे पृथ्वीवासी बनो जो निश्चित दूरी पर रहो। अगर बहुत दूर हो गए तो ज्ञान में जिंदा नहीं रहेंगे, क्या हम मुर्दा बन जाएंगे? नजदीक आ गए है, जैसे होता है कि सूर्य के लिए ज्यादा नजदीक आ जाते हैं वो भी जिंदे नहीं रहते, अब जल जाएंगे? हाँ हाँ, जलेगा नहीं, जलेंगे नहीं, ज्ञान ज्ञान में मरना तब नहीं चाहिए जब तो देह मन में जल जाता। अच्छी बात है ना, बाप के नजदीक आना अच्छा है या दूर जाना अच्छा है? तो नजदीक आएंगे देह भान जल जाएगा, अच्छा है ना? जीवित रहने के लिए निश्चित दूरी पे रहना जरूरी है। हाँ, तो बाप के पास ही जीवित रहेंगे, जो मर जाएंगे, जीते जी मरेंगे, उनका अंजाम क्या होगा? वो जन्म जन्मांतर बाप के पास रहेंगे या दूर रहेंगे? है संदेश देने की जहाँ तक बात आती है, संदेश ज्ञान का जो संदेश देते हैं, तो एक तो साधारण रूप से जो संदेश किसी आत्मा के द्वारा मिलता है कि फलानी जगह ज्ञान चल रहा है, आने का परिचय देता है, परंतु वहाँ जाकर जब ज्ञान लेती है आत्मा, तो वहाँ सुनाने वाली आत्मा तो दूसरी होती ज्ञान है, ज्ञान का परिचय देने वाली आत्मा तो दूसरी होती है, वहाँ जहाँ से ज्ञान गीता पाठशाला द्वारा जहाँ से दिया जा रहा है दूसरी होती, जहाँ तक ज्ञान दिया गया गीता पाठशालाओं में ज्ञान दिया जाता,
वहाँ से इंडिविजुअल भी दिया जाता तो जो भाई मिला था ना उसने तो ज्ञान नहीं दिया, उसने सिर्फ इतना बताया कि संदेश दिया। हाँ, उसने सिर्फ इतना बताया संदेश दिया। हाँ, और फिर जब वो आत्मा जाकर के वहाँ ज्ञान लेती है पाठशाला गहराई से, हाँ कुछ बातें तो समझ में आती है, उसके बाद वो चला जाता है। ज्ञान में उस समय नहीं चलता, नहीं चलता। चार पाँच साल बाद दोबारा उसी आत्मा के संपर्क में आता है, जो आत्मा गीता पाठशाला में जहाँ उसको सुना था वो आत्मा के संपर्क में नहीं आता जो पहले उसको बताता। ठीक है, तो कौन सी आत्मा निमित्त बनी ज्ञान देने के या संदेश देने के, क्या बात है? शुरुआत में जिसने संदेश दे दिया वो संदेश उसको भूल गया क्या? याद आता है तो संदेश दिया हुआ तो याद आएगा ना। अगर उसने संदेश न दिया होता तो गीता पाठशाला में डिटेल में समझने के लिए कैसे पहुंचता? और जब पहुंचता ही नहीं तो पांच साल के बाद कैसे पहुंच जाता? तो बीज डालने वाला कौन हुआ? जिसने संदेश दिया उसी ने बीज डाला। भले उसने ज्ञान को कुछ सुनाया नहीं, भले नहीं सुनाया, बाबा यदि उधार के रूप में किसी को अपन कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ मदद के रूप में किसी को पैसा दे देते हैं, ज्ञानी आत्मा है, हाँ किसी को मदद के रूप में दे दिए ज्ञानी आत्मा है, और वो आदमी पैसा रिटर्न नहीं देता है, तो अपन क्या समझे कि वो पैसा मेरा नहीं था या किसी जन्म में उसका हमने कर्ज लिया था इसलिए वो वापस नहीं दे रहा है, क्या समझे? कर्ज लेना और कर्ज देना ये ज्ञान के विपरीत है। कर्ज लेना ये भी मांगना है क्या? लिया ना तो बिना मांगे कोई दे देता क्या? कुछ न कुछ इशारा दिया तो उसने दिया, तो मांगने से मरना वाला आपने दिया क्यों? आप मांगना सिखाते हैं? जैसे कहते हैं पुत्र पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय? पुत्र अगर अच्छा है सुपुत्र है तो उसको पैसा इकट्ठा करके देने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप कमाए लेगा। और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय? पुत्र अगर कुपुत्र है तो पैसा इकट्ठा करके उसको दे भी देंगे तो क्या करेगा? सारा पैसा बर्बाद कर देगा। ऐसे ही ये जो धन दूसरों को कर्जे में देते हैं वो भी एक पाप बन जाता है। मान लीजिए व्यवसाय के रूप में यदि अपन कुछ उधार लेते हैं व्यवसाय करने, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे के, आज नहीं तो कल नाक रगड़नी पड़ेगी। देखते भी हैं सारे कल कारखाने बंद होते जा रहे हैं, जो झूठा धंधा करने वाले हैं वो पनप रहे हैं, जो सच्चा धंधा करने वाले हैं वो मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, तो आखिर कब तक रगड़ा चलाएंगे? जब बता दिया मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, क्या बाप का धंधा करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते? ये बाप का विरुद्ध है। तो दुनियावी धंधे फैलाना बड़ी बात अच्छा काम या ईश्वरीय धंधा फैलाना बात अच्छा काम? क्यों पाप कर रहे हो? हैं नहीं बच्चे कहीं भी हो, बाप के बच्चे होंगे तो बाप का धंधा करेंगे ना। अरे कहीं से क्या मतलब, आकाश में, आकाश में क्या धंधा होगा? है हाँ हाँ, बाप का धंधा करें ना, बाप का धंधा करेंगे तभी तो बाप के बच्चे हुए ना। हाँ नहीं भूखे मरेंगे अगर बाप का धंधा करने वाले बच्चे हैं तो। हाँ,
कहीं भी हो से क्या मतलब, सारी दुनिया में तो मनुष्य हैं, जहाँ जहाँ मनुष्य हैं मनुष्यों को संदेश देना है, मनुष्यों को ज्ञान सुनाना है, है? ये बात ही नहीं उठाई सरेंडर है कि नॉन सरेंडर है या कैसे है, सरेंडर हो या नॉन सरेंडर हो, सरेंडर और नॉन सरेंडर की परिभाषा भी बड़ी विचित्र है। ऐसे नहीं कागज में लिख देने से कोई सरेंडर हो जाता है, कागज में लिख करके दे दिया और वहां जाके बैठ गए कंधे पे चढ़ के, काम कुछ नहीं करते हैं, सेवा कुछ नहीं करते हैं, सुबह से शाम तक ऑर्डर चलाना, दूसरों को तकलीफ देना, गंदी गंदी बातें करना, माहौल खराब करना, धमचक्कर मचाना, ये धंधा है उनका, तो सरेंडर है, है? अरे बाहर की दुनिया में रहते हैं, कागज पर लिख करके नहीं दिया है, दूसरों को संदेश देते हैं, ईश्वरीय मर्यादा में रहते हैं, साप्ताहिक कोर्स भी देते हैं, गीता पाठशाला चलाते हैं, परिवार से मिलजुल करके रहते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं, सबको दुआएं देते हैं, एक एक पैसे का पोता मेल बाबा को देते हैं, तो सरेंडर नहीं है। ओम शांति। आदिकाल की भारत की हिस्ट्री है, उसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त को दिखाया है। चंद्रगुप्त दलबल के साथ है या अकेला है? है? दलबल के साथ है, सेना का नायक है, और चाणक्य हमेशा अपने को अकेला महसूस करता है। यज्ञ के आज ने भी बताया, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ थी। जो आदि में हुआ वो सब अंत में भी होता है, बेसिक के आदि में भी ऐसा ही था, एडवांस के आदि में भी ऐसा ही होता है, और जब संपूर्ण प्रत्यक्षता होगी उस समय भी ऐसे ही देखने में आएगा। एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। और महियर वाली आत्मा, महियर वाली माता, माता जी की पहली पूजा वे ही करते हैं, और हनुमान भी अभी कहीं गुफाओं में रह रहे हैं। क्या पूछना चाहते हैं? बिना भट्टी किए यदि बाबा के क्लास में कोई आत्मा आकर बैठ जाती है तो उसकी क्या शूटिंग होती है? लौकिक दुनिया में कोई आत्मा पुराने परिवार को, पुराने समाज को, पुराने जन्म की दुनिया को छोड़ करके और कोई नए परिवार में जाकर बैठ जाए
तो वो प्रेत आत्मा कही जाती है या बाप का बच्चा कही जाती है? 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 प्रेत आत्मा है। वो प्रेत आत्मा की शूटिंग हो रही है जो कायदे कानून को नहीं मानती दुनिया के, अपने ही देहवान के आधार पर चलती है। भूत प्रेत वाली आत्माएं भूत प्रेतों की पूजा करने वाली होती है, देवताओं को पूजने वाली होती है या भगवान को मानने वाली होती है? है? भूत प्रेतों की दुनिया बनाने वाली होती है। जैसे गीता में कहा है, मेरी उपासना करने वाले मेरे से प्राप्ति करते हैं, देवताओं को मानने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और जो भूत प्रेताओं भूत प्रेतात्माओं के उपासक हैं वो भूत प्रेतात्माओं से प्राप्ति करते हैं। ये वो आत्माएं हैं जो कोई नीति नियम कायदे कानून को नहीं मानती, नहीं तो किसी स्कूल में जाया जाता है, कॉलेज में जाया जाता है, कोई धार्मिक संस्था में जाया जाता है, तो वहाँ के नीति नियम कानून मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए? है? मानना चाहिए, लेकिन वो अपने को ही भगवान समझती है। भगवान को जैसे कि पहचानते ही नहीं। भगवान और भगवान के परिवार को भी परखना चाहते हैं, देखें हम जाते हैं हमारा क्या होगा। कोई किसी प्रकार की सेवा देते हैं, धन या कोई चीज की सेवा देते हैं और दूसरे तीसरे व्यक्ति को पता चलता है, तो इससे क्या नुकसान होता है? नुकसान होता है या फायदा होता है? मुरली में तो बोला है, एक हाथ देने वाला और दूसरा हाथ लेने वाला, तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तीसरे चौथे पांचवे और ज्यादा को पता चलता जाता है तो उस दान की वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो लोगों की बुद्धि में बैठेगा ये बड़ा दानी है, तो लोगों की बुद्धि में उसका मान मर्तबा बढ़ेगा या घटेगा? है? बढ़ेगा। तो लौकिक दुनिया का मान मर्तबा ले लिया और भगवान की दृष्टि में मान मर्तबा घट जाता है। जो यहाँ जितना मान मर्तबा ले लेते हैं उतना मान मर्तबा वहां कम होता जाएगा, इतना भारी नुकसान हो गया। जबकि ईश्वरीय नियम है, क्या नियम है? गुप्तदान महान कल्याण। ईश्वरीय नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। बेसिक में बताया जाता है, विकासमणि दादी आई और बातें की, क्या ये सच है?
अर्थात दादी किसी के रथ में आई और दादी ने आकर के क्लास करवाई, क्या ये बात सच है? बताओ ये बात सच हो सकती है या नहीं हो सकती है? 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 नहीं हो सकती। क्यों? सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं कोई शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो प्रकाशमानी दादी क्या मुक्त हो गई है? या कोई सूर्यवंशी में प्रवेश करती है? प्रकाशमणि दादी कोई सूर्यवंशी आत्मा जो इसी जन्म में मुक्त होने वाली आत्मा है, बीज रूपी स्टेज वाली आत्मा है, उसमें प्रवेश करती है या चंद्रवंशियों में, इस्लाम वंशियों, बौद्धि वंशियों में प्रवेश करेगी? किसमें प्रवेश करेगी? और वंशियों में प्रवेश करेगी, क्योंकि वो तो सेकंड नारायण की कैटेगरी की आत्मा है। सेकंड नारायण नारायणी और उनकी प्रजा इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली साबित होती है। इस्लाम धर्म में जाने वाली आत्मा कोई भी पक्के सूर्यवंशी में प्रवेश नहीं कर सकती। तो जब सूर्यवंशी में प्रवेश ही नहीं करेगी तो क्या उनकी बीज रूप स्टेज बनेगी? जैसे राम वाली आत्मा में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा प्रवेश करता है, तो सूक्ष्म शरीरधारी होने के बावजूद भी बीज रूपी स्टेज पकड़ लेता है संग के रंग से। तो प्रकाशमणि दादी तो सूर्यवंशी में प्रवेश ही नहीं करती, बीज रूपी स्टेज तो बनेगी नहीं, तो सूक्ष्म शरीर से ही प्रवेश करेगी ना। और सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करके वाणी चला सकती है या नहीं चला सकती है? जैसे ब्रह्मा की आत्मा सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में प्रवेश करती है, वाणी चलाती है या नहीं चलाती है? चलाती है। तो प्रकाशमणि की दादी की भी आत्मा प्रवेश भी करती है और वाणी भी चलाती है, लेकिन वो वाणी शिव बाबा की वाणी के समकक्ष होगी या विपरीत होगी? विपरीत ही होगी। जैसे बेसिक में दीदी दादियों की वाणी चलती है और शिव बाबा की वाणी भी चली थी ब्रह्मा के मुख से, तो दोनों प्रकार की वाणियों में अंतर होगा या नहीं होगा? होगा। दुनिया में जो भी हुआ है वो सत्य है या असत्य है? दुनिया में जो भी हुआ है, कर्म इंद्रियों से कर्म हुआ है, वाचा से वाणी चलाई गई है, मनसा से संकल्प चलाए गए हैं, तो वो सत्य हैं या असत्य हैं? है? सत्य हैं। जो सत्य है उसका कभी विनाश होता है क्या? तो पीयू की वाणी का भी विनाश नहीं हो सकता। जब टाइम आएगा तो वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। Thank you.
बाबा ने बोला है जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं वो राजा बनते हैं। और बाबा ने दुर्गादास का पार्ट छोटी माँ के लिए बोला है। बोला है अरे तुझे मुरली सुनी नहीं? तुझे नहीं सुनी? क्या बोला? दुर्गादास का पार्ट लक्ष्मी का है तो वो दुर्गा की दास है। और दुर्गा का पार्ट किसका है? है जगदम्बा का पार्ट है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जगदम्बा वाली आत्मा राज करेगा खालसा। इस स्टेज में पार्ट बजाएगी या नहीं बजाएगी? है बजाएगी। तो दुर्गादास के मुकाबले जो बड़ी माँ दुर्गा है वो ज्यादा खालिस है या कम खालिस है? है दुर्गा का दास माने दुर्गा दास। दुर्गा का दास कौन हुआ? प्रजापिता है? प्रजापिता उसका दास बनता है? वो एक का बन के रहता है कि दुर्गा का भी दास बनता है? आदि में बना था? बना था है? अरे ये भी के आदि में दुर्गा का दास बना था? अरे नहीं बना था। तो आदि में नहीं तो अंत में भी नहीं। बाकी जो विजयमाला है जब तक ज्ञान नहीं है तब तक दुर्गा का दास है। जब एडवांस ज्ञान पूरा आ जाएगा बाप को पहचान लेगी तो दुर्गा का दास बनकर के रहेगी? है नहीं रहेगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो राजाई की शूटिंग होती है उस शूटिंग पीरियड में सारा कंट्रोल ब्राह्मणों की दुनिया का जगदम्बा ही संभालेगी या कोई पवित्र आत्माएं और भी होंगी जिनके द्वारा संचालन होगा? है? क्योंकि द्वापर और कलयुग में जो राजाएं होते हैं वो अपवित्र राजाएं होते हैं और उन अपवित्र राजाओं की शूटिंग भी ब्राह्मणों की दुनिया में ही होती है। अपवित्र राजाएं
पवित्र का आधार लेकर के, पवित्र आत्माओं का आधार लेकर के उनको मंत्री बना करके या राजगुरु बना करके राज्य करते हैं। तो वास्तविक राजा ही किनके हाथ में रहती है? गुरुओं के हाथ में रहती है, मंत्रियों के हाथ में रहती है या भिखारी राजाओं के हाथ में रहती है? है? मंत्रियों के हाथ में राजा ही रहती है। ऐसे ही है, छोटे छोटे राजाएं थे भारतवर्ष में और वो राजाएं एक दूसरे के अधीन हुआ करते थे। वास्तव में तो राजा उनको कहा जाता है जो कोई के अधीन न हो, वो है राजा। राजा माने स्वाधीन। तो दुर्गादास एक राजा तो था लेकिन बहुत बड़ा राजा नहीं था। भारत के जैसे ढेर के ढेर रजवाड़े थे, ऐसे उनमें से एक रजवाड़े का वो भी राजा था लेकिन संपूर्ण स्वाधीन नहीं कहेंगे। हाँ, चरित्रवान राजा था। इसकी चरित्र चरित्र का लोहा भारत के सभी राजाओं ने माना है। तो दुर्गादास का पार्ट बजाने वाली आत्मा राजयोग की पढ़ाई बाद में पढ़ती है, तब तक रुद्रमाला बन जाती है। रुद्रमाला युगलों की माला है या सिंगल माला है? है? रुद्रमाला सिंगल आत्माओं की माला है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग कहें या अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग कहें? है? वो प्रवृत्ति मार्ग है ही नहीं। अगर है भी तो अपवित्र है। रुद्रमाला परिपक्व माला तब आती है जब रुद्रमाला के मण के विजय माला में पिरोए जाए, तब कहते हैं विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली विजय माला। जो जितनी विकारों पर विजय प्राप्त करता है, जितना इंद्रियों पर राज्य करता है, उतना बड़ा राजा बनता है। कम विजय तो छोटा राजा, संपूर्ण विजय तो विश्व महाराजा। नंबर वार राजाएं हुए हैं। तो राजयोग ऐसे नहीं कहेंगे कि रुद्रमाला की आत्माओं ने ही राजयोग सीखा। सीखा तो, लेकिन सिद्धि प्राप्त होती है? होती है। रुद्रमाला के मणकों को विजय माला के साथ सहयोगी बने बगैर सिद्धि प्राप्त हो जाती है? हो जाती है? नहीं होती। तो राजा ही मिल जाएगी? है? नहीं मिल सकती। ये नहीं कह सकते
कि दुर्गा दास तो राजयोग की पढ़ाई बाद में पढ़ती है आत्मा, तब तक तो रुद्रमाला बन जाती है, तो राजा कैसे बनेगी? राजा अर्थात कंट्रोलिंग पावर, वो कंट्रोलिंग पावर पहले अपनी इंद्रियों के ऊपर होनी चाहिए, और वो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, विजय प्राप्त करने की पावर अकेले प्राप्त नहीं होती है, इसको गुरु बनाना पड़े, माता को गुरु बनाना पड़े। तो ऐसे नहीं है कि रुद्रमाला पहले बन जाती है तो राजा ही मिल जाती है, नहीं, राजा ही का वर्षा संपूर्ण बनने पर बाद में ही प्राप्त होता है, चाहे वो विजयमाला हो या रुद्रमाला हो। विनाश होगा तो सारी आत्माएं परमधाम जाएंगी, तो जो लास्ट आत्मा नीचे उतरेगी तो उसको जन्म देने वाली माँ तब तक जीवित रहेगी क्या है? रहेगी या नहीं जीवित रहेगी? अरे अरे 700 करोड़ आत्माएं, 500 करोड़ आत्माएं एक के बाद एक नंबरवार परमधाम में प्रवेश करेंगी या एक साथ प्रवेश कर जावेंगी? है नंबरवार जावेंगी और नंबरवार आ गई, कोई सतयुग के आदि में ही नीचे आ जाएगी, कोई मध्य में, कोई अंत में, कोई त्रेता के आदि में, कोई मध्य में, कोई अंत में। तो जिस क्रम से जाना होता है उसी क्रम से आना होता है। हाँ, जाने का क्रम जल्दी होगा, उतरने का क्रम उतना जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होता रहेगा। 5000 वर्ष में आत्मा नीचे उतरती है, हर आत्मा का यही हिसाब है, और एक सेकंड में ऊपर जाती है। तो क्या संपन्न स्थिर सबकी एक साथ बनेगी? है संपन्न स्थिर जैसे एक साथ नहीं बनेगी, वैसे ही मुख्यम वतन में इकट्ठे होने की स्टेज भी सबकी एक साथ नहीं बनेगी। परम धाम जाने से पहले हर आत्मा को सूक्ष्म वतन में इकट्ठा होना पड़ेगा, तब तक इकट्ठी होती रहेंगी जब तक फाइनल विनाश न हो जावे। फिर फाइनल विनाश होने के बाद जो 700-750 करोड़ भी अंतिम आत्माएं हैं वो भी सूक्ष्म वतन में इकट्ठी हो जाएं, तब इकट्ठा मनारा उड़ेगा, सब इकट्ठी होकर परमधाम पहुंचेंगे। ये ममता की स्टेज है, उड़ा दिया माने ऊंची स्टेज में उड़ा दिया, ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं होता क्या? है होता है कि नहीं होता है? और
दुनिया की बात छोड़ दो, जो ब्राह्मणों की दुनिया है वो तो ब्राह्मणों की दुनिया, 108 की भी बात छोड़ दो, 108 रुद्रमाला के मणके तो बाद में निकलते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। जो वैदिक ब्राह्मणों की दुनिया है वो तो दुनिया का जो मुखिया है उसके सामने प्रत्यक्षता हो गई। तो जब उसके जब ब्राह्मणों के सामने ही प्रत्यक्षता नहीं है तो दुनिया के सामने प्रत्यक्षता कैसे हो जाएगी? राधा रेखा की आत्मा ही गीता को भगवान, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे समझेंगे? पहले तो घर का सुधार या पहले पर का सुधार? पहले घर का सुधार होना चाहिए। कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम उनके साथ हमारे हिसाब किताब है, उन हिसाब किताब कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं होता है तो टाइम लगेगा। अरे ये तो प्रैक्टिस है, हाई जंप लगाने की प्रैक्टिस करते हैं ना, दौड़ करने की प्रैक्टिस होती है ना, तो ऐसे ही हमारे भी पुरुषार्थ की प्रैक्टिस है। कोई पुरुषार्थ में चलते हैं, कोई पुरुषार्थ में उड़ते हैं, कोई दौड़ते हैं, कोई हाई जंप लगाते हैं। तो जो पुरुषार्थ की दौड़ है, जो तीखे दौड़ने वाले होते हैं, और जब दौड़ शुरू होती है तो पहले पहले धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं। जो आगे जाने वाले समझते हैं कि हम तो जीत गए, अब जीत जाएंगे, वो तो पीछे रहने वाला है, और दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। जब लास्ट टाइम आता है तो क्या करते हैं? दौड़ फास्ट करके और हाई जंप लगा के क्रॉस कर देते हैं। माने उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, तो उम्मीद के सितारे बनना अच्छी बात है या खराब बात है? सारी दुनिया कौन भटका रहा है? ज्यादा लेखराज की आत्मा नहीं भटका रही है, दादा लेखराज की आत्मा के जो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब हैं, वो हिसाब किताब राम वाली आत्मा के साथ ज्यादा है या कोई दूसरी आत्मा के साथ ज्यादा है? राम वाली आत्मा के साथ ज्यादा है। वो हिसाब किताब जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक राम वाली आत्मा को विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। हाँ, धर्मराज का पार्ट है लेकिन भगवान तो नहीं है। धर्मराज भगवान है या भगवान के नीचे है? नीचे है। बताया है मान लो। हाँ।
पांडव हैं, ये पंडा के पुत्र हैं, ये धृतराष्ट्र धृतराष्ट्री में से। अरे अंधे की औलाद, अंधे उस लिस्ट में है या सोजरे की लिस्ट में है तुम्हें पता ही नहीं चलता, तो पता नहीं कौन से ग्रुप में चले जाओगे। हाँ, विष्णु के कंबाइंड स्वरूप में जो हैं, उनमें कोई कंट्रोल्ड होने वाले हैं और कोई कंट्रोल करने वाले की लिस्ट में भी है। ये अंतर का पता नहीं चला है? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, बाबा दुनिया में समय के लिए माइंड खुल जाता है, लेकिन वो आ जाता है तो वो कैसे खुलेगा और कब खुलेगा? त्रेसठ जन्मों में कभी मोह किसी के साथ लग गया, लगा कि नहीं लगा, और फिर उसने धोखा दे दिया तो मोह टूट गया, और जिसके साथ मोह टूट गया वो फिर अगले जन्मों में जुड़ सकता है कि नहीं है? ऐसे ही यहाँ भी छूटी हो रही है, है? तुम्हारी जड़ता के ऊपर है। पांचवी का राजा हाँ, किसी ने कड़ी ज्ञान की बात कह दी और वो उससे सहन नहीं हुई और सांस घुट गई तो फांसी लग गई कि नहीं? ज्ञान में से मरेगा या जिंदा रहेगा? है? मर जाएगा। हाँ, तो जिसको बाप मिल जाए, ऊंचे से ऊंचा मिल जाए तो नंबर वार बच्चों को क्यों पकड़ेगा? ये तो उनकी बात है, जिनको बाप नहीं मिलता डायरेक्ट या जिसमें इतनी शिफ्ट नहीं है कि बाप के नजदीक पहुंच सके, तो नहीं पहुंच पाता है तो कम से कम जो अच्छे अच्छे हैं उनका तो संग करे। और चलो